नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लच नॉइज़, जो क्लच रहती है उसके अंदर से आवाज़ आ रही है, उसके क्या कारण रहते हैं और क्या समाधान रहते हैं। तो मैंने आपको बताया है क्लच का मेन काम रहता है पावर को इंगेज करना और डिसंगेज करना, ये मेन काम रहता है क्लच का। अब क्लच के अंदर से आवाज़ आ रही है वो कौन सी टाइप की है और कब आवाज़ आती है, ये आपको देखना है। कब आवाज़ आती है? नॉइज़ वाइल इंजन इज आइडलिंग, जैसे हम गाड़ी को चालू करते हैं और क्लच को दबाते हैं तब आवाज़ आ रही क्या। दूसरा रहता है हमिंग नॉइज ड्यूरिंग एक्सेलेरेटर, जैसे ही हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और क्लच को छोड़ते हैं तो हमिंग नॉइज आती है। हमिंग किन किन की आवाज़ आती है? हमिंग नॉइज आती है, आप जब उसको चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा हमिंग नॉइज आती है तो उसके क्या कारण रहते हैं। जब एक्सेलेरेटर देते हैं, जब हम क्लच को डिसंगेजमेंट करते हैं, ऐसे इंगेज कर दिया, जैसे डिसंगेजमेंट करते हैं ऐसे हटाते तब आवाज़ आ रही है। तो ये तीन मेन काम रहता है, जब गाड़ी चालू हालत में क्लच लीवर को दबाते तब कौन सी आवाज़ आती है, जैसे हम एक्सेलेरेटर दे रहे हैं तब आवाज़ आ रही है उस समय क्या करना है, और जब हम इंगेज करके डिसंगेज करते हैं तब आवाज़ आ रही है तो उसके क्या कारण रहते हैं। तो पहला रहता है जब गाड़ी चालू हो रही है उस समय क्लच नॉइज आवाज़ कर रही है तो उसके क्या कारण रहते हैं। लूज क्लच नट, जो क्लच का जो नट रहता है जिसको हम टाइट करते हैं वो लूज़ है, उसकी वजह से आवाज़ करती है, यह ध्यान से समझना। दूसरा रहता है लूज रिवेट ऑन सिक्रोन गियर ऑन क्लच हाउसिंग, लूज रिवेट, इसके अंदर जो रिवेट लगी रहती है वो लूज़ है, उसकी वजह से आवाज़ करती है। और गियर ऑन क्लच हाउसिंग, और क्लच हाउसिंग के अंदर की जो रिवेट रहती है ना, आपको दिख रहा होगा ये रिवेट लग रही, यदि ये लूज़ है इसकी वजह से ये क्लच आवाज़ करती है, ठीक है। इसके अंदर का जो बोल्ट रहता है वो लूज़ है, उसकी वजह से आवाज़ करती है, तो ये आपको देखना है। तीसरा काम रहता है ड्राइविंग गियर नॉइज़, इसके ऊपर जो ड्राइविंग गियर लगा रहता है उसके अंदर के टीथ देखना, यदि वो ख़राब तो नहीं हो गए, टूट तो नहीं गए, उसकी वजह से आवाज़ करती। प्राइमरी गियर को देखना है आपको, यदि उसके टीथ सही है या ख़राब हो गए उसकी वजह से आवाज़ करती। ये तीन काम रहते हैं जब गाड़ी चालू होती है और हम क्लच लीवर को दबाते हैं। दूसरा रहता है हमिंग नॉइज ड्यूरिंग एक्सेलेरेटर, जब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं उस समय हमिंग नॉइज आ रही है उसके क्या कारण रहता है। तो पहला मेन काम रहता है प्राइमरी गियर नॉइज, जो इंजन से पावर आ रही है वो प्राइमरी गियर को आती है, इसके बाद फिर क्लच हाउसिंग के ऊपर इस वाले गियर को आती है, तो उसको आपको अच्छे से चेक करना है, उसके टीथ देखना है, कहीं टूट गया उसकी वजह से ही आवाज़ आती है। इसके बाद क्या रहता है, मोर बैकलेस बिटवीन प्राइमरी गियर एंड सेकेंडरी गियर टीथ, जो प्राइमरी गियर और सेकेंडरी गियर टीथ रहते हैं उसके अंदर से आवाज़ आ रही है तो उसको फिर बदलना है, आपको उसको चेक करना है, फिर उसके बाद बदलना है। ये दो मेन काम रहते हैं। अब रहते हैं नॉइज ड्यूरिंग डिसंगेजमेंट और इंगेजमेंट, जैसे हम क्लच लीवर को दबाते हैं उस समय आवाज़ आती है और छोड़ते हैं उस समय आवाज़ आती है, तो उसके क्या कारण रहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहला काम रहता है एक्सेसिव प्ले इन क्लच बेयरिंग, जो क्लच का जो बेयरिंग रहता है जिसमें हम लगाते हैं यहाँ पर क्लच बेयरिंग या फिट करते हैं, उसमें एक्सेसिव प्ले आ गए, ज़्यादा प्ले आ गई हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से दबा नहीं पा रहा है तो ये क्लच इंगेज नहीं हो पाती है, इसकी वजह से आवाज़ आती है। दूसरा रहता है ड्राई फ्रैक्शन प्लेट, जो फ्रैक्शन प्लेट रहती है उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से फ्रैक्शन प्लेट ड्राई चल रही है, बिल्कुल सूखी चल रही है, उसकी वजह से भी आवाज़ आती है। इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, यदि लुब्रिकेशन नहीं हो रहा उसके क्या कारण रहते हैं, लो इंजन लेवल और ब्लॉक लुब्रिकेशन होल ऑफ क्लच हब, जो क्लच हब रहता है उसके अंदर का जो होल रहते हैं जिसमें ऑयल आता है लुब्रिकेशन के लिए, वो ख़राब, वो बंद हो गए हैं, जाम हो गए, ऑयल पंप प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी क्लच आवाज़ करने लग जाती है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न रहते हैं क्लच आवाज़ करने के। तो आज आपने देखा किस तरीके से क्लच आवाज़ करती है, कौन कौन सी कंडीशन में आवाज़ करती है और आपको किस तरीके से समाधान करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।